फ़र्ज़ और लाजिम है ज़रूरी है अगर कोई इसे छोड़ देता है नहीं देता है तो गुनाहगार है चुनानचे अल्लाह अबालमिन ने फरमाया व आतः सादुकात ही नहला के लाजमी तौर से फ़र्ज तरीके से औरतों को उनकी महर अदा करो हक महर अदा करना ये लाजिम और फ़र्ज है महर औरत के लिए जायज़ है कि वो बाद में साखिद कर दे चाहे तो थोड़ा साखिद कर दे चाहे तो पूरा साकित कर दे यानी माफ़ कर दे अलबत्त ये एक जो रस्म चल पड़ी है कि औरतों से या बीवी से शौहर ये कहता है कि मेरी मेहर माफ़ कर दो ये तलब करना मुनासिब नहीं है सही बात नहीं है आप उनसे तलब करें यह अच्छी बात नहीं है अगर वो अपनी खुश दिली से क्योंकि क़ुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फरमाया फ़िन कबनकम शश मिन हूँ नफ़सन फकुलू हनी अमरियाँ कहा अगर खुश दिली से ऐसा करें कि उन्होंने कुछ तुमसे माफ़ कर दिया छोड़ दिया तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है फिर तो तुम खाओ पियो लेकिन कहना उसे इसरार करना बोलना ये अच्छी बात नहीं है आप के ऊपर एक तो बेहतर अच्छी बात यह है कि निकाह के वक्त आप मेहर दे दें अगर आपने उस वक्त नहीं दिया है तो आप जितनी जल्द हो सके मुमकिन उतनी जल्द दे दें क्योंकि ये एक कर्ज है आपके ऊपर ये एक कर्ज है आप उसे देंगे अब कर्ज माफ करवाना जबरदस्ती ये तो कहीं से भी मुनासिब अमन नहीं है अब वो बेचारी औरत होती है मोहब्बत में माफ कर देती है शोर के कहने पे मान लेती है बात लेकिन वो उसका हक है आपने अगर उसको अपने निकाह में लिया है तो उसे उसका हक दें और आज तो ये एक आम बात हो गई है मेहर कहते हैं बाद में देंगे और फिर बोल करके बार बार कह करके माफ करवा लेते हैं यह मुनासिब अमर नहीं है एक दूसरा मसला यह है महर के ताल्लुक से कि महर जितना चाहे रख सकते हैं कम हो या ज्यादा अगर औरत चाहे तो वो डिमांड करे ज्यादा की और अगर चाहे तो कम की डिमांड करे मर्द उस पर इत्तेफाक करना चाहे तो करे नहीं करना चाहे तो दूसरी जगह शादी करे यानी कोई ये नहीं कह सकता कि महर की एक रकम मुतन है उससे ज्यादा तलब करना जायज नहीं है ऐसा कोई भी हुक्म शरीयत में वारिद नहीं है ऐसी कोई भी दलील शरीयत में नहीं आई है लिहाजा औरत के इख्तियार पर है उसकी मर्जी पर है वो कितना तलब करती है अगर किसी को लगता है कि ज्यादा तलब कर रही है तो वो कहीं और रिश्ता देखे तो ये औरत की मर्जी के ऊपर है उसी तरह कम के मामले में महर उतना कम किया जा सकता है जितना कम मुफीद हो यानी उससे कुछ फायदा हासिल किया जाए गरचे वो दस बीस रुपया ही क्यों ना हो अगर वो फायदेमंद शह है अगर लोग समझते हैं कि इतने माल के जरिए इतनी कीमत के जरिए या इतने पैसे के जरिए या इस चीज के जरिए हम फायदा उठा सकते हैं फायदा मंद चीज है तो उसको मेहर में दिया जा सकता है महर बनाया जा सकता है इजाफा और कसरत की दलील के जितनी ज्यादा चाहे महर रख सकते हैं अल्लाह आलमीन का ये फरमान है कि व आते तुम तारा कि तुमने उनमें से किसी को किंतार यानी बहुत ज्यादा खजाना दिया हो फला खुद मिनहुषैया तो उसमें से कुछ भी ना लो अल्लाह अब्बुल आलमीन ने यहाँ पर महर को कहा कि अगर खजाना भी दिया हो तो भी ना लो तो यहाँ अल्लाह रब्बुल रब्लमिन ने ख़ज़ाना का जिक्र किया ख़जाना थोड़ा सा नहीं होता है ज़्यादा होता है लिहाजा महर में अगर कोई इजाफा करके रखती है ज्यादा करके रखती है ज्यादा तलब करती है तो वह उसकी मर्जी है कम की दलील नबी अक्रम सरमान है कि जब एक खातून खड़ी हुई सहाबियाँ खड़ी हुई और नबी अक्रम सम के ऊपर अपने आप को पेश किया शादी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रगबत जाहिर नहीं की तो एक सहाबी ने कहा कि अगर आपको कोई हाजत नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं शादी कर लेता हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कहा कि उन्जुर वलौ खातम मिन हदीद कहा कि जाओ एक लोहे की अंगूठी अगर मिल जाए तो वो लेकर के आओ शादी कर लो फजहब व रजा गए वापस आए फकाल कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास वला खा मिन बिन लोहे की भी अंगूठी नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उन्होंने कहा सहाबी ने कहा वाला किन हजा इजारी यह मेरे पास देखे एक चादर है जो मेरे पास है मैं इसे दे सकता हूं मेहर में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मात नजारिक तुम अपने इस इजार से क्या करोगे इससे क्या फायदा मिलेगा इन लबिसमय यकुन अलई हा मिनहुशी अगर तुम इस इजार को पहनोगे इस चादर को पहनोगे तो उस औरत के पास इसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा वो औरत इससे फायदा नहीं उठा पाएगी व इन लबिसत हू लम यकुन अलई कमिन और अगर वो इस चादर को इस इजार को पहनेगी तो फिर तुम इससे कोई फायदा नहीं उठा सकते हो तो तुम्हारे पास तो यही एक चीज है तो नबी अक्रम अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कुरान की कुछ आयात हैं कुछ याद है तुम्हें तो उन्होंने कहा कि हाँ याद है नबी अक्रम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है उसे कुरान की कुछ आयात याद करवा देना इससे पहली बात ये साबित हुई कि लोहे की अंगूठी लोहे की अंगूठी गरचे उसका रेट उसकी कीमत बहुत कम होती है बहुत कीमती शय नहीं है एक मामूली शय है लेकिन उससे फायदा उठाया जाता है मतलब वो किसी काम की चीज है लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मेहर बनाने की इजाजत दी जहां तक इजार और चादर का मसला था तो कहा कि अगर तुम इसे पहनोगे आधा अगर तुम रखोगे बाज मैं कह आधा मेरे लिए आधा इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आधा अगर तुम रखोगे तो ना तुम फायदा उठाओगे ना ये फायदा उठाएगी यानी जिस सबब से नबी अकरम सल्लल्लाहु सला वसल्लम ने इस चादर के महर में दिए जाने से मना किया वो सबब ये है कि ये निस्फ और निस्फ मुफीद नहीं है फायदेमंद नहीं है दोनों में से किसी के काम की चीज नहीं रहेगी तो जब ये फायदे की चीज़ बाकी नहीं रहेगी तो इसको महर में नहीं दिया जा सकता है लिहाजा महर में किसी शय के दिए जाने की शर्त यह है कि वो फायदेमंद हो उससे इस्तफा किया जाए बेकार शे ना हो जहां यह बात आई कि महर जितनी चाहे उतनी तलब की जा सकती है वहां यह तंबीह मुनासिब है और जरूरी है कि अफजल और सुन्नत यह है कि महर में तखफीफ की जाए महर कम से कम तलब की जाए उतनी जितनी मुनासिब हो और लड़का दे सके उस पर बोझ ना पड़े अब इतना भी कम ना हो कि उससे लड़की कोई फायदा नहीं उठा सके या फिर ये इतना भी कम ना हो कि बिल्कुल उसको कम समझा जाए उसकी कोई हैसियत ही नहीं है महर कम रखना ये मसनून अमल है बेहतर है चुनान्चे नबी अक्रम सरमायाजरत आयशन इसकी रावी है कि इन मरअती तसर खब औरत के बाबरकत होने की दलील ये है कि पैगाम रसानी में पैगाम भेजने में पैगाम देने में आसानी हो यह उसके औरत के बाबरकत होने की दलील है वह तसर सदाक और उसका जो महर हो वो भी आसान हो आसान मतलब जिसकी अदायगी आसान हो यानी कम हो बहुत ज्यादा नहीं हो इस हदीस को इमाम अहमद रहम् ने अपनी मुसरत में नकल किया है और यह हदीस सही है दूसरी हदीस है नबी अक्रम सल्हलम ने फरमाया कि खैर सदाकी

उमर अनु का फरमान है कि अला तु औरतों के महर में बहुत ज्यादा इजाफा ना करो बहुत ज्यादा मुबालगा ना करो हद से ज्यादा महर ना दो <दिवारी> मकरुमिया क्योंकि अगर ये इज्जत वाली बात होती फख्र वाली बात होती या अल्ला रब्लम के नज़दीक तकवा वाली बात होती कि जो जितना ज़्यादा महर देगा उतना ज्यादा मुत्तक़ी है तो नबी अलैहि वसल्लम ऐसा करने के ज्यादा हकदार थे यानी वो ऐसा हमसे पहले करके जाते जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर देख लें आम तौर पर कम है लिहाजा निकाह को आसान बनाए महर कम रखें हमारे बरसर और खसूस हिंदुस्तान में और उसके अलावा सगीर में जो ममालिक उनमें लड़के की जानिब से लड़की वालों से लड़की के घर वालों से जहेज नाम की एक शह तलब की जाती है और बाज तो ऐसे भी हैं जो इसके लिए न जाने इधर उधर की दलीलें ला करके कैसे फिट करते हैं और फिर उसे अल्लाह का दीन बनाते हैं सबसे पहले ये बात याद रखें कि अगर आप किसी चीज़ को अल्लाह का दीन बना रहे हैं और वो अल्लाह का दिन नहीं है तो याद रखें कि क्यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका सख्त मुहासबा करेगा क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन मुकम्मल कर दिया है अगर कोई शख्स उसमें अपनी तरफ से इजाफा करेगा तो गोया वो ये साबित करना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन नाकिस नाजिल किया है मुकम्मल नाजिल नहीं किया है। तो अल्लाह से डरे दूसरी बात इस्लाम की पूरी तारीख पड़ जाए और खुसूसन बल्कि बर सगीर को छोड़ दें तो आपको कहीं भी जहेज का मामला नजर नहीं आएगा कि लड़के वालों ने लड़की वालों से कभी जहेज तलब किया हो कि मुझे फला चीज दो मुझे इतने पैसे दो मुझे गाड़ी चाहिए मुझे घर चाहिए कभी भी इस्लामी तारीख में आज तक ऐसा एक भी वाक नहीं हुआ है ये सिर्फ बर सगीर का मामला है आप नबी अक्रम सल्हलम के जमाने में देख लें एक भी सहाबी से आपको जहेज की तलब नहीं मिलेगी बाज लोग कहते हैं कि हजरत अली को नबी अक्रम सला वसलम ने कुछ दिया था आप सल्लाम ने कुछ दिया था क्यों क्योंकि उन्हें जरूरत थी उनके पास कोई सामान नहीं था चुनाचे जब आप सल्लाह ने उनसे कहा कि अपनी बीवी को मेहर दो तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेहर देने की रकम भी नहीं है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है तुम्हारी जो वो वो दिरा है वो दे दो उनके पास कुछ भी नहीं था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायात में ऐसा मनकूल है कि उन्हें कुछ जरूरत की चीजें दी थी ये एक वाकया है जिससे लोग दलील पकड़ते हैं जवाब इसका यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलब करने पर दिया था या फिर यह था और जरूरत के तहत मदद की थी तलब करने का एक भी वाकया आपको इस्लाम की पूरी तारीख में नहीं मिलेगा और आप तलब करते हैं हमें यह तलब का वाकया दिखाए तलब करने की दलील दिखाए मांगने की दलील दिखाए जहां तक देने का मसाला है तो ऐसी सूरत में जब लड़का बिल्कुल गरीब हो उसके पास कुछ नहीं हो जरूरत है उसके पास पैसे नहीं है कर नहीं सकता है तो कुछ जरूरत की चीजें जो वो मुहैया नहीं कर पा रहा है अगर वो दे दें तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन सवाल आप अपने दिल से पूछे कि क्या यही मामला होता है आपके जहेज में इस नाम पर और इस नारे को लगा करके के लड़की वाले दे रहे हैं ये कहकर लड़की वाले से सब कुछ ले लेते हैं और वो चीजें ले लेते हैं जो उनके पास पहले से मौजूद होती है और वो ले लेते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं होती है और वो लेते हैं जिसके जरिए वो दूसरों में फख्र जताते हैं कि देखो मैं बाइक वाला हूं मैं गाड़ी वाला हूं मेरे मेरे पास पास ये है मेरे पास वो है क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाकये से ये दलील मिलती है कि ये चीजें तलब की जाए दीन को मजाक का जरिया नहीं बनाए जहेज लेना वल्लाहु आलम जहेज अगर बिला जरूरत कोई दे रहा है चाहे लड़की वाले अपनी तरफ से दें, बिला जरूरत है या लड़के वाले मांगे ये देना इस्लाम के अमर में से नहीं है और इसको करना जायज नहीं है और जो चीज इस्लाम में नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा के जमाने में नहीं हुई वो चीज बिदत है फिर यह ये कही ये एक रस्म है जो मुसलमानों की नहीं है ये रस्म अगर कुफार से आई है गैर मुस्लिमों से हम तक आई है तो ये हराम है लिहाजा जहेज के तलब और जहेज लेने देने दोनों से बचे न लड़की वाले के लिए जायज है न लड़के वाले के लिए जायज है ये कहना कि दुनिया क्या कहेगी रिश्तेदार क्या कहेंगे खानदान क्या कहेगा यह कहना आपको क्यामत के दिन रब के सवाल से नहीं बचा सकता जब रब के सामने आप खड़े होंगे तो रब आपसे पूछेगा कि आपको मैंने माल दिया था वो आपने कहा खर्च किया क्योंकि ये जो जगह है माल खर्च करने की जहेज देना शर् जगह नहीं है कि जहेज के नाम पर आप माल खर्च करें खूस लड़की वाले कि समाज क्या कहेगा जहेज के नाम पर आप माल खर्च करें यह शर्ग नहीं है बीती जगह हराम जगह है अगर आपने अपना माल इस जगह पर खर्च किया अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे क्यामत के दिन इसके ताल्लुक से सवाल करेंगे कि तुमने इस माल को कहा खर्च किया था तुमने माल कहां खर्च किया था जो मैंने तुम्हें दिया था मेरे भाईयों शादी के मामला को आसान बनाए चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले हों मुश्किल ना बनाए दुनिया क्या कहेगी दुनिया आज कहेगी कल कहेगी उनको पांच दिन दस दिन के बाद कोई नया टॉपिक मिल जाएगा वो फिर आपको भूल जाएंगे दूसरी बात दुनिया क्या कहेगी अगर जिंदगी भर दुनिया हमें एक खैर और अच्छे काम के करने पर मलामत करती रहे तो रब्बुल आलमीन की कसम है कि ऐसी मलामत हमारे लिए नेकी और सवाब का काम है क्योंकि हमें खैर के काम पर लोग ताना दे रहे हैं ये तो अंबिया के को दिया जाता था ये तो सालहिन को दिया जाता था कि नेक काम करते तो कहा जाता था कि देखो देखो बड़ा नेक बन रहा है ये तो उनको कहा जाता था अगर हमें नेकी करने की वजह से ऐसा कुछ कहा जा रहा है तो इसमें तकलीफ की क्या बात है ये तो फख्र की बात होनी चाहिए थी इसमें शर्म और आर की कौन सी बात है ये तो और खुशी की बात होनी चाहिए कि आपको अल्लाह के दीन की वजह से कुछ लोग ताना दे रहे हैं तो इस मामले को समझें कि ये मलामत वाला अमर नहीं है बल्कि ये फख्र वाली बात है नीज ये के आप या कम अज कम हराम काम तर्क कर रहे हैं और ये याद रखे फरमाया मन तरा शाह जिसने अल्लाह की रजा की खातिर रब की खुशनुदी की खातिर कोई काम छोड़ दिया वो गलत था छोड़ दिया अल्लाह रबुल उसके बदले में उसे उससे बेहतर शय उससे बेहतर चीज अता करेगा आप अगर रब की रजा की खातिर और इसलिए कि ये अमल बिदत है या कम अज कम हराम है आपने जहेज का लेना देना तर्क कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसके जरिए से या आपको इसके बदले में बेहतर शय अता करेगा जिसका आप गुमान नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर आपके निकाह में वो खैर बरकत रखेगा जो दूसरों के निकाह में नहीं होता है अब आप देखें लोग शिकवा करते हैं कि हमारे दरमियान बन नहीं पा रही है खैर बरकत घर में नहीं है मोहब्बत वैसी नहीं है औलाद वैसी नहीं हो रही है नेक औलाद में खैर बरकत नहीं है औलाद हमारे हक में नहीं है आखिर क्यों आपके हक में होगी जबकि आपने अपने निकाह की बुनियाद ही खराम वाले अमल पर रखी है जब बुनियाद कमजोर और गलत हो इमारत की बुनियाद में अगर आपने कोई कमजोर सी शय डाल दी कोई ऐसी शह जो गलत है जो नकली है जो बेकार सी शह है आपने वो डाल दी तो इमारत कैसे दुरुस्त रहेगी और खड़ी रहेगी तो आपने तो बुनियादी तौर पर अपनी बुनियाद को खराब कर लिया है। और फिर कैसे बुनियाद खराब करने के बाद अपने अमल की बुनियाद बिदत और हराम पर रखने के बाद आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपके इस अमल में आपके इस काम में खैरो बरकत होगी जबकि नबी अक्रम सलम का वाज फरमान है कि खैर निकाही अरू बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो आपने उसे मुश्किल बनाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत की और फिर आप चाह रहे हैं कि आपके उस निका में खैर रखी जाए और आप मुखालफत करते रहें मतलब आप जो जी चाहे वो करें और आपको तमाम चीजें अल्लाह रबालमीन बेहतर और खैर वाली अता करे ये तो नामुमकिन अम्र है इसलिए मेरे भाइयों और जो भी वली उल अमर जो भी जिम्मेदारान लोग हैं उनसे ये इल्तमास है कि वो निकाह को आसान से आसान बनाए लड़की वाले भी और लड़के वाले भी निकाह मुश्किल ना बनाए ये जहेज की रस्म बिदअत या हराम है इसे ख़त्म करें खुद भी और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे से इस बुराई को ख़त्म करे और अल्लाह रब्लमीन हमाम लोगों के लिए निकाह को आसान बनाए आमीन अभी इन इस तरह की और भी कुछ बातें मज़ीद बातें हमारे पास हैं जो इस्लाम के खानदानी निज़ाम से मुतक़ हैं सुनते रहे हमारे साथ जुड़े रहें इन अगली नशस्तों में आपके साथ चंद नए मौजूद को लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह रब्बुलमी हम तमाम को अपने हिफ्ज अमान में रखे असलकम वरम्ला बरकत ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें